कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और विद इन 100 ही ये कट ऑफ रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड रिलेटिवली रिलैक्स होता चला जाएगा व्हिच इज रिजर्व्ड के लिए कट ऑफ। मैं एक्सपेक्टेडली बोलना चाहूँगा कि या तो 96 होगा या 97 होगा, 96 मार्क और 97 मार्क। यदि 97 या 96 आपकी एंड टू बी प्रिसाइज ये कट ऑफ 86 या 87। मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को और इट विल बी 88 to 90, राइट? 88 आई हैव पुट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कोरोना टाइम विल बी फ्रॉम, अगेन आई एम राइटिंग हियर, 85 to 87। दिस वीडियो इज हेलो गाइस, फाइनली 16th जून 2024 इज ओवर, जिसका आप सभी लोगों को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। और इस बार तो इलेक्शंस की वजह से ये दिन चेंज भी हुआ था, एक महीने बाद ये आया था दिन, और कई सारे लोगों को एक तरीके से थैंक्स गिविंग वन मंथ मिल गया, जिसमें बेसिकली प्रैक्टिस भी हो गई, रिवीजन का टाइम भी मिल गया। इस वाले दिन के एक्सपीरियंस के बारे में यदि हम बात करें, कैसा डिफ़िकल्टी था, कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्या क्या सरप्राइजिंग फुलनेस एलिमेंट थे इस साल। दोस्तों, पिछले साल में जो एग्ज़ाम आया था वो तो एक सी सेट का बड़ा फियरफुल फैक्टर बन गया था, कि सी सेट ने ही पूरी की पूरी जो सीन थी, सिनेरियो था, चेंज कर दिया था। और जो कट ऑफ प्रिडिक्शंस थी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस की, मेरी खुद की भी, मेरी खुद की जो कट ऑफ प्रिडिक्शन थी पिछले साल की क्लोजेस्ट थी इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस, इंक्लूडिंग दोज प्लेसेस वेयर आई हैव वर्कड, जिसमें 2 या 3 मार्क्स का फ़र्क बैठता है। अभी मैं इस डेट डिजिट्स के ऊपर भी ज़रूर आ जाऊंगा, लेकिन इस साल का जो पेपर पुराने कंपैरिजन में हम देखें तो पिछले साल के यदि सिनेरियो को हटा दें तो उससे पुराने साल यानी कि 2019, 2020, 2021, 2022 उसी मोमेंटम में आया है। रिलेटिवली ये पेपर मॉडरेटली टफ बोल सकते हैं, लेकिन पिछले साल का जो पेपर टफ था, एलिमिनेशन टेक्निक नहीं थी, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं था, आप एलिमिनेट कर सकते थे। और जो सी सेट का पेपर था, अभी अभी हुआ है, आधा घंटे पहले ख़त्म, उसी के बाद मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, तो सी सेट का पेपर भी बहुत सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन डाटा सफिशियंसी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, लगभग 10 से ऊपर क्वेश्चन थे, वैसे 4 क्वेश्चन ही होते हैं, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो एलिमेंट था, जैसा भी आपने देखा होगा, उतना टफ नहीं था। मैथ के ऊपर डिपेंडेंसी इस बार लोग रख सकते थे, और काफ़ी सारे लोगों ने जनरल मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, मैथमेटिक्स तो सी सेट का पोर्शन नहीं है, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो मॉडरेटली ओके थे सारे के सारे। बहुत ज़्यादा सुपर चैलेंजिंग कोई भी पोर्शन सी सेट का नहीं था। GS के पेपर में जो भी परफॉर्मेंस रहा हो आप लोगों का, यदि आप सी सेट में अच्छा परफॉर्मेंस देके आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेटली ओके था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ के पास आप पहुँच ही जाओगे। अभी यदि आज के कट ऑफ को बताने से पहले मैं क्वेश्चंस का एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने रखना चाहूँ, तो मोटे मोटे जो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सारे के सारे पोर्शंस अच्छे तरीके से आए हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस लगभग 20 हैं, इकोनॉमी के ही 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए, लेकिन सरप्राइजिंगली जो मुझे लगा, जो क्वेश्चन इस बार पूछे हैं वो डिफेंस, जो साइंस एंड टेक का एक पोर्शन है, सबसेट डिफेंस, उसमें भी GK ओरिएंटेड, जैसे रैंक का इक्विवेलेंट रैंक तीनों फोर्सेज में कैसे होता है, CDS के बारे में पूछ लिया है, एंड उसके अलावा IR से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। इवन ज्योग्राफी के अंदर भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो IR डायमेंशंस रखते हैं वो पूछे गए हैं, एंड सरप्राइजिंगली इन्वायरमेंट को काफ़ी डाइल्यूट किया गया है, ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, मॉडरेटली ओके थे। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन, यदि हम इन दोनों को देखें तो एक कहते हैं ना बुद्धा का मिडिल पाथ, वो फॉलो किया है UPSC ने, बहुत उथल पुथल नहीं मचाई है।
दो या तीन क्वेश्चन बहुत ही फिलोसॉफिकल होते हैं। इस बार उस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को हटाकर यूपीएससी ने इथिक्स, जो जीएस पेपर फोर होता है मेंस के अंदर, वहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। जैसे कमेटी इथिक्स जो पार्लियामेंट के अंदर में है, देन इथिक्स को लेकर जैसे बुद्धा को हम लोग इथिक्स में ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पूछ ली गई बातें हैं। कुछ ऐसी सरप्राइजफुल बातें हैं जो आर्ट एंड कल्चर में है या हिस्ट्री में है या इथिक्स में है, जैसे संघभूति एक नाम है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड जो वीडियो बनाया है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज़ की, और छोटा एक वीडियो बना है वो अपलोड हो जाएगा, उसकी भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन सारे के सारे फैकल्टीज़ एक साथ एक वीडियो में आए, वो वीडियो भी बनेगा। अभी फाइनली यदि मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो दोस्तों आई एम अ फैकल्टी विद मोर देन अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा अपना एक इंट्यूशन है और मैं इंट्यूशन के हिसाब से चलता हूँ। दूसरे कई सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, मुझसे भी सीनियर टीचर्स हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मैंने भी काम किया है। पता नहीं क्यों ये इतना क्लोज क्यों मैं पहुँच जाता हूँ इस कट ऑफ के। मैं इस वीडियो में पिछले साल के, ये वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा मैं कट ऑफ भी बता दूंगा, उसके बाद आप वीडियोस देखें, केवल इस ऑथेंटिसिटी जो प्रेडिक्शन में दिखती है उसको क्रॉस चेक करने के लिए कि मेरे बताए हुआ सेम डिजिट कैसे वो कट ऑफ बन जाता है। 2019 से लेकर, मैंने नोट भी किया है, 19 से लेकर 2023 तक इन वीडियोस में जो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड भी हैं उसी डेट में, तो कुछ उसमें चेंज भी नहीं किया जा सकता, बट उसमें से मैंने 3 या 4 सेकंड का क्लिप छोटी सी निकाली है और इसी वीडियो में डाली है। उन सबको आप देख लें जिससे आप बिलीव कर पाएँ कि आपका परफॉर्मेंस और जो मेरा प्रेडिक्शन है और फाइनली जो UPSC का कट ऑफ एक साल बाद आएगा इसमें कितना तालमेल है। क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत हायर कट ऑफ बता देंगे तो आप डर जाओगे, कुछ लोग ऐसा बता देंगे कि अरे नहीं नहीं बहुत कम चला जाएगा, तो आप थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे। कॉम्प्लेसेंट होना अच्छी बात है जिससे आप मेंस की तैयारी करने लगो, लेकिन डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी एक बात, मेरे कट ऑफ से भी आपका यदि नीचे की साइड में जा रहा है परफॉर्मेंस, दोस्तों मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है, और डर के आगे जीत है। और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो ना हो, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसा समझो कि आप इस बार मेंस दोगे, आप राइटिंग प्रैक्टिस में आ जाओ, आप टेस्ट सीरीज लगा लो, ये भूल जाओ कि प्रीलिम्स हो गया, अब मेरे को मेंस देना है। किसी एक कारण की वजह से बाई चांस आपका किसी का नहीं हुआ बाई चांस, तो आपको क्या करना है कि भाई पेपर आएगा, अपने किसी दोस्त से लूँगा मैं जो मेंस का पेपर देगा, नहीं तो मार्केट से मेरे को मिल जाएगा, मैं नेक्स्ट डे उस पेपर को वैसे का वैसे ही दूंगा, यानी कि UPSC का जो एक्चुअल मेंस का शेड्यूल होगा मैं 1+ डे करके चलूंगा और मैं सारे के सारे पेपर्स को लिखूंगा और मैं किसी अपने सीनियर से चेक करवाऊंगा, नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट्स में भेज के उसको पैसे दे के भले ही चेक करवाऊंगा, और यही मेहनत आपको अगले साल काम आएगी। और ये मेंस का जो आप करोगे ना पूरा तैयारी, अगले साल प्रीलिम्स में आप ये समझ लो कि डबल ट्रिपल चांस हो जाता है आपको क्लियर करने का, क्योंकि अगेन कॉम्पिटिशन में आपके सीनियर भी अगले साल भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग जो इस बार क्लियर भी कर लेंगे अगेन एग्ज़ाम देंगे, तो आप उन सभी के ब्रैकेट में रहोगे। इस साल का मेंस किसी भी तरीके से अछूता नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अब मैं आता हूँ इस साल के कट ऑफ के ऊपर। दोस्तों इस साल का जो कट ऑफ, सीधा सीधा डिजिट की बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनाने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल का कट ऑफ 84 एंड 86 के बीच में रहेगा, यदि एक मिडिल नंबर निकालूं तो अराउंड 85। हर बार कहता हूं प्लस माइनस एक नंबर जरूर हो सकता है, लेकिन बट मेरा जो इंट्यूशन, मेरी जो निडिल जा रही है, सुई जो जा रही है वो 85 की तरफ जा रही है। तो दोस्तों यदि ये कट ऑफ के पास आप आ चुके हो, बॉर्डर लाइन केस पर भी हो, तो भी आप तैयारी शुरू कर दो। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि ये कट ऑफ और भी नीचे चला जाए, सारे लोगों का सिलेक्शन हो, UPSC को बहुत सारे एवेल्यूएटर्स बैठा देने चाहिए। 3 टाइम्स यदि वो सिलेक्शन करता है मेंस के लिए, 4, 5, 6 टाइम करे जिससे लोगों को मेंस देने का तो मौका मिले। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तैयारी इतनी आप लोगों की होती है, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ना, इस जुनून, एक बहुत बड़ा जुनून है, बहुत बड़ा पैशन है। मेंस लिखने पे थोड़ा बहुत एक कंफर्टेबल आदमी हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होती यार, इतनी मेहनत की, प्रीलिम्स तो निकला कम से कम, फैमिली पीपल को तो बता पाएंगे। मेंस की मार्कशीट भी आती है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री से भी ऊपर की मार्कशीट बन जाती है, उसके बेस पे कई सारे सिलेक्शंस आजकल होने लगे हैं। जब आप नहीं सेलेक्ट होते हैं फाइनली UPSC में, जब आपकी मार्कशीट आती है जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी होते हैं,
उसके बेस पे आपको डायरेक्टर की पोस्ट तक डायरेक्ट मिल जाती है और कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, डायरेक्टली इंटरव्यू देके। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कई सारी और बॉडीज़ हैं, PSUs हैं, वो केवल UPSC की मार्कशीट के ऊपर आपको आज की डेट में सिलेक्शन देती हैं, जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। UPSC में फाइनली सेलेक्ट ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, परीक्षा है, दूसरे की इच्छा है, और ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में प्लस माइनस दोनों चीज़ें चलती हैं। सचिन तेंदुलकर यदि एक बॉल पे आउट हो जाए और हर बार वो सेंचुरी बनाता है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गेम खेलना नहीं जानता, वो सब जानता है, लेकिन वो दिन शायद उसका नहीं था। ऐसे ही आपके लिए भी कोई भी डेवलपमेंट हो सकता है दोस्तों, लेकिन मेंस इस बार ज़रूर देना है, चाहे ऐसे या वैसे। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दो दिन का, एक दिन का रेस्ट लो, मेरे को लगता है वो भी मत लो, दोस्तों से ज़्यादा कोई बातचीत नहीं, मेंस की तैयारी। और इस मेंस की तैयारी में हम लोग आपके साथ हैं। हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें पॉलिटी, एथिक्स ऐसे पेपर को मैं खुद से पर्सनलाइज चेक करूँगा, और आप लोगों से मैं ऑनलाइन मीडियम से भी 1-to-1 फेस टू फेस कर सकता हूँ। एंड यदि आप नियर बाई करोल बाग या मुखर्जी नगर पर रहते हैं, आई एम पर्सनली सिटिंग हियर। 400 बच्चों की क्लास से मुझे बहुत मौका नहीं मिलता था किसी से बात करने का, लेकिन आज की डेट में मैंने अपना एक सेटअप इस तरीके का बनाया है कि मैं पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सकूं अपने स्टूडेंट को। आप मेरे से, मेरे ऑफिस में कभी भी मिलने के लिए आइए। इस टेस्ट सीरीज़ को यदि ज्वाइन करते हैं, इस बार मेंस में सहायता मिलेगी, अगले साल प्रिलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प मिलेगी। सो इन्हीं शब्दों के साथ अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ जो मेंस की है, उसके अलावा मैं 15 साल से पॉलिटी और एथिक्स का पेपर तो 2013 में आया, लगभग 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया है, और जो नोट्स हैं वो धीरे धीरे करके मेरे प्रिंटेड फॉर्मेट में आए और वो किताब बन गई, फिर एस चांद पब्लिकेशन से वो पब्लिश भी हुई है। खासतौर से मेंस के पर्सपेक्टिव में कोई भी किताब अवेलेबल नहीं थी। लक्ष्मीकांत की बुक प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव में ठीक है, लेकिन मेरी जो किताब है वो एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस यदि हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसका QR कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ये किताब इंडियन पॉलिटी की कुछ इस तरीके से दिखती है। आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑर्डर कर लें इसे, और मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी को, गवर्नेंस को ज़रूर पढ़ें, और मुझे फीडबैक भी बताएं इस चीज़ का। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। एथिक्स की भी मेरी बुक अवेलेबल है हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट की दूसरी एथिक्स की बुक है 2024 पर्सपेक्टिव को लेकर, वो भी हम लोग अवेलेबल करा देंगे वेरी वेरी सून, इन 10 डेज टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एथिक्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको मैं ही खुद से पर्सनली लुक आफ्टर कर रहा हूँ। पॉलिटी की अलग से एक्सक्लूसिव अवेलेबल है, यदि आपके मार्क्स पुराने मेंस में अच्छे नहीं आए हैं, उसको भी मैं पर्सनली लुक आफ्टर कर रहा हूँ। ऐसे पेपर को भी मैं पर्सनली लुक आफ्टर कर रहा हूँ। सो एनी ऑफ दी थिंग्स और ऑल दी थिंग्स टुगेदर, यू कैन जस्ट गिव दिस ऑल अ चांस। ओके।